50,000. Dear student, we study about superposition principle. अब यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे की ओर. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? अभी तक तो आपने ये देखा कि जो फोर्स लग रहा है वो दो चार्ज के बीच लग रहा है, और दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो यह प्रोपोर्शनल टू Q1Q2 बाई आर स्क्वायर है. अब सपोज कर लीजिए कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में यन चार्जेज हों. जब उस सिस्टम में यन चार्जेज हों तब क्या होगा? तो सिस्टम में जब यन चार्जेज होंगे तो उसके लिए जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस के सम के इक्वल होगा. अब सपोज कर लेते हैं कि जो चार्ज है Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डाटा Qn है. तो यहां पर हम निकालते हैं कि Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगाया, फिर Q1 पर Q3 कितना फोर्स लगाया, Q1 पर Q4 कितना फोर्स लगाया. इस प्रकार से Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स हमको मिल जाएगा. ठीक है, तो ही जो टोटल फोर्स होगा वही टोटल फोर्स ही वह होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि किसी भी फोर्स, किसी भी चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स हैं उनका जो सम होगा वही उनका रिजल्टेंट होगा. तो यहां पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सेंट्रल द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाई अदर चार्जेज ऑन ए गिवन चार्ज. नहीं सुन रहे? चलिए देखते हैं हम. क्लियर कर लीजिए, ये सपोज कर लीजिए कोई सिस्टम है, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है. ठीक है, अब ये Q1 लगा दिया, Q2 लगा दिया Q1 पर, Q3 लगा दिया Q1 पर, Q4 लगा दिया Q1 पर. ठीक है, इसी प्रकार यन चार्ज है. तो अब इस Q1 पर टोटल फोर्स कितना होगा, ये हमारा गिवन चार्ज है. Q1 पर टोटल फोर्स क्या होगा, इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा. ठीक है, तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब यहां पे लिख सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स एग्जर्टेड on a given charge is equal to vector sum of
फोर्सेस एग्जर्टेड बाय अदर चार्जेस ऑन ए गिवन चार्ज यहां पे बताया गया कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होता है अदर फोर्स के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। कंसीडर charges q1 q2 q3 .qn inside of a system कोई सिस्टम है जिसके इनसाइड में ये चार्ज है। The position vector of charges is vector r1 vector r2 no position vector of charges with respect to origin O is vector r1, vector r2, vector r3, ., vector rn. सबसे पहले तो पूछे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एग्जर्टेड बाय अदर चार्जेज ऑन ए गिवन चार्ज। कोई सिस्टम है जिनमें यह चार्जेज हैं, किसी एक फोर्स पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होगा किसी एक चार्ज पर वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। कंसीडर चार्जेस q1 q2 q3 एंड qn इनसाइड ऑफ सिस्टम द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ इज वेक्टर r1 r2 r3 .rn रिस्पेक्टिवली है। अब देखिए अब यहां पे इसके फिगर को हम लोग ड्रा करते हैं। चलिए ये चार्ज q1 है, ये q2 है और ये q3 है। q1 का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1, q2 का पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन है वेक्टर r2, q3 का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r। अब यहां पे देखना है कि q1 पर जो फोर्स लगेगा q2 लगाएगा, तो ये फिक्स है। जो फोर्स ये q2 लगा रहा है रिपल्सन फोर्स ये सेम चार्जेज हैं, ये फोर्स इधर लगेगा।
ये फोर्स हो जाएगा ये आप वन, मीन्स क्यू वन पर कौन लगाया क्यू, और क्यू थ्री लगाया क्यू टू, क्यू वन पर वन, इसी प्रकार और भी होंगी और इनका रिजल्ट टाइम दिया होगा। अब यहां पर इसके डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो देख लेते हैं। अब यहां पर आर वन के डिस्टेंस हुई, आर वन थ्री के डिस्टेंस हुई, ओके, और इसका वेक्टर फार ले लेते हैं। अब केयर करिए कि यहां पर ये वेक्टर आर वन टू, इसमें इसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर आर वन टू क्या होगा, वेक्टर आर वन थ्री क्या होगा, क्योंकि क्योंकि इसकी यूज, इसका जो है यूज हम आगे करेंगे। तो यहां पे देखिए यह आर टू और आर वन टू का रिजल्टेंट कौन है, R1। इसका मतलब का R12 इक्वल हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, ये हो जाएगा R12 इक्वल R1 माइनस R2। इनका मैग्नीट्यूड जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है इसी प्रकार ये भी हो जाएगा R13 की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब चलिए फोर्स जो Q1 Q2 को भी के बीच लग रहा है उसे राइट करें, यह हो जाएगा एफ वन टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू, स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर वन टू कैप जो कि उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी कह सकते हैं आप वन अपॉन फोर पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, ये हो जाएगा आर वन टू, और इसे वेक्टर फॉर्म में राइट करते हैं तो आर वन टू अपॉन मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू, और अरे आर वन वेक्टर था। अब ये फोर्स निकाल लेते हैं। अच्छा अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अब ये हो जाएगा आर वन टू क्यू इंटू आर वन, वन अपॉन फोर पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, ये वैल्यू है आर वन माइनस आर टू का होल टू,
और वेक्टर आर वन टू आर वन माइनस आर टू, यहां पर हमने आर वन टू आर वन थ्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, फाइंड कर लिया, उसके बाद तो ये फोर्स मिला हमारा एफ वन टू। अब यहां पे एफ वन थ्री फाइंड कर लें, सिमिलरली एफ वन थ्री वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू थ्री आर वन माइनस आर थ्री क्यू आर वन माइनस आर थ्री। इसी प्रकार और भी चार्ज हैं, एफ वन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू एन अपॉन ये तो निकल गया कि जो चार्ज फोर्स लगा रहे थे Q1 पर, अभी जानते हैं कि Q1 पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वेक्टर सम के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर एफ इक्वल एफ वन टू एफ वन थ्री एफ, अब ये सब वैल्यू हम पुट कर दें यहां पर, ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी वैल्यू इसकी पुट कर दें जो आपने फाइंड कर लिया है। ये तो कॉमन ही है, Q1 Q2 अपान मान R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2 प्लस Q1 Q3 मान R1 माइनस R3 क्यूब आर वन माइनस आर थ्री क्यू वन क्यू एन आर वन माइनस आर एन का होल क्यूब आर एन माइनस आर एन क्यूवन को भी हम आउट कर सकते हैं। तो क्यूवन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर जो हमें मिलेगा ये मिल जाएगा क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू आर वन माइनस आर टू प्लस Q3 अपान R1 माइनस R3 क्यूब R1 माइनस R3 डॉट 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 Qn अपान R1 माइनस Rn R1 माइनस Rn। Then we can write F equal Q1 by 4 pi epsilon naught summation I equal to
टू एन, ये हो जाएगा क्यू आई अपान आर वन माइनस आर आई का होल क्यू आर वन माइनस आर आई का। अब यहां पे आई की वैल्यू टू रखेंगे, ये मिलेगा आई इक्वल थ्री रखेंगे, मिलेगा आई इक्वल फोर रखेंगे, ऐसे मिलता आएगा। दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लॉन्ग है, लेकिन इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बता रहा है कि किसी भी सिस्टम में किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होगा, सभी चार्ज के द्वारा लगाए गए अलग अलग वेक्टर फोर्स की सम के इक्वल होगा। यही आपको निकालना है, जिसमें आपने देखा कि हमने एक गिवन चार्ज क्यूएल लिया। जब गिवन चार्ज क्यूएल लिया तो क्यूएल पर फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, क्यू एन है, डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हमने इस फोर्स को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला।